हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश पांडे। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक ड्राइंग केवल स्टेप, जिसके हम लोग एक डिजाइन करने जा रहे हैं। देखिए इस ड्राइंग को, ये डिजाइन है अपनी। तो हमने ये डिजाइन हमको मोहम्मद मोहम्मद साकिब ने मुझे एक मेल किया था, उनको ये ड्राइंग चाहिए थी बना के, तो मैं उनके लिए एक ड्राइंग बना ले रहा हूँ। आपके पास भी अगर कोई ड्राइंग है, अगर आपसे नहीं बन रही, आप बनाना चाह रहे हो, तो आप हमें मेल कर सकते हो। और जैसे कि मैं इस ड्राइंग को अटैच करने के लिए अटैच करता हूँ यहाँ से, और तो हम लोग सबसे पहले इस ड्राइंग को अटैच करने के लिए XLF कमांड यूज़ करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ XREF। XLF कमांड से कोई किसी भी तरह की आप ड्राइंग को अटैच कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अटैच इमेज पर क्लिक किया और हमने इमेज यहाँ पे सेव कर रखी है, और इस इमेज को हमने इस तरह से ओपन कर लिया। ओपन करने से पहले मैं देख रहा हूँ, तो ये जो ड्राइंग है ये लैंडस्केप आ रही है, उसको पोर्ट्रेट कर देते हो ज़्यादा ईजिली हमें दिखेगा, तो उसको कर देते पहले। तो यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग है 1 2 3 करके एक हमारे पास ड्राइंग है। 1 2 3 स्ट्राइंग इज यहाँ पे है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया। ओपन करके इसको आप पहले रोटेट कर दीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। यस, इस तरह से हमारी ड्राइंग है। इस ड्राइंग को आपको बनाना है, तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले इस पार्ट वन में मैं इतने पार्ट को बनाऊंगा, क्योंकि ड्राइंग थोड़ी सी लॉन्ग है, और पार्ट टू में मैं इसको बनाऊंगा, तो आप दोनों पार्ट दिखेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो इस ड्राइंग को अब हमने यहाँ से किया और करके हमने अटैच कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग फिर से XREF कमांड डालेंगे, और XREF कमांड डाल के एंटर करें, और फिर यहाँ से अटैच इमेज पे जाके हमने 1 2 3 किया। सॉरी यार, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, नो इशू, आई हैव रोटेट कमांड, सो नहीं सही हो गया। अगर नहीं भी होता तो हम लोग क्या कर सकते थे, रोटेट कमांड लगा सकते थे, तो उससे हम लोग इजिली समझ जाते हैं। ओके, ये ड्राइंग है। ड्राइंग इस तरह से बनाना है, पहले हम लोग इतने पार्ट को बना रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग इसको और इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इतने पार्ट को बनाने के लिए हमने देखा यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ 503, तो ये 503 की डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए और जैसे कि मैं देख रहा हूँ 503 की स्केलिंग के अकॉर्डिंग ये इमेज थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको पहले स्केल करके छोटा कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे स्केल कमांड लिया या सी इंटर, और यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करके 0.1 किया और इंटर कर दिया। इस तरह से हमारे ड्राइंग आ गई, और इस ड्राइंग को अब बनाने के लिए इसलिए हम लोग यहाँ से लिया और ये लेके हमने 503 लेके इंटर किया। और फिर इसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया हुआ है, हमारे पास दैट डिस्टेंस इज 57। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ से देख सकते हो, 57 डिस्टेंस है इसकी, तो 57 हमने यहाँ से लिया और ये लेने के बाद 57 लिख के एंटर कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करके मिरर भी कर सकते हैं इधर की ओर, इस तरह से मिरर कर दिया। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस है जिसका डिस्टेंस है 46, तो 46 हम लोग यहाँ से अभी ले लेते तो बेटर रहेगा। हमने इसको ऑफसेट कराया 46 का इस तरह से, और यहाँ पर एक आर्क है, आप देखें तो यहाँ पे एक आर्क है, 3 पॉइंट आर्क, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट आर्क है यहाँ पे, तो 3 पॉइंट आर्क ले लिया हमने। तो तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे, अगर इस तीसरे पॉइंट पे जाना, तो पॉइंट कितना है, 134, तो 134 हमने एक लाइन खींच लिया 134 के मिड पॉइंट से, तो इसको हमने लिया और यहाँ से 134 लेके एंटर कर दिया। और फिर आर्क कमांड लिया, यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क लेंगे तो बेटर होगा हमारे पास, तो हमने ये लिया और ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, इस तरह से हमने ले लिया, तो हमारे पास ये बन गया। अब साथ ही इसका देखिए यहाँ पे, तो ये ऑफसेट हुआ है, ये डिस्टेंस ऑफसेट हुआ है। अब ये डिस्टेंस कितना है इसकी जानकारी हमें नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, डिटेल में देखना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, सी डिटेल ए, तो हमने यहाँ पे देखा डिटेल ए इज हियर, सो आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो। और ये करके हमने जब इसको देखा, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस जो है वो है 18 का डिस्टेंस है, मीन्स ऊपर से हमारा ये नीचे का डिस्टेंस जो है 18 है। तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ऑफसेट करने के लिए 18 का डिस्टेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे 18 का डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे हमने 18 का डिस्टेंस लिया और ये हमारे पास एक पॉइंट ले गया इस तरह से, इसको मिला दिया। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि अभी मुझे यहाँ पे कुछ ट्रस्ट मेंबर्स जोड़ने हैं, तो ट्रस्ट मेंबर जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रस्ट मेंबर को काउंट कर लेते बेटर रहेगा। तो हम यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास ट्रस्ट मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने इसको काउंट किया है, तो ये टोटल 14 है, इधर का 14 है और इधर का 14 है, एंड एक मिड पॉइंट है जो है
तो टोटल हो गया हमारे पास 29, 14, 14, 28 प्लस मिड पॉइंट, तो हमारे हो गए 29। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें, तो अगर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, और पॉइंट्स आ जाएंगे तो इजीली हम लोग इसको बना सकते हैं। तो हमने डिवाइड करने के लिए क्या किया, यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके यहाँ पे डिवाइड कमांड लगा दिया। तो यहाँ पे डिवाइड कमांड लगाने के लिए देखिए ड्रॉप टूल पर जाने के लिए, और यहाँ पे डीवाई, या आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं इसका, डी आई। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करके एंटर करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको जितने पार्ट में चाहिए, जैसे 29 हमें पार्ट चाहिए, मीन्स 30 का डिवाइड करना पड़ेगा, तब उसके बीच में जो गैपिंग आएगी वो 29 की आएगी। ये देखिए हमने कर दिया, आपको विजिबल नहीं होगी, तो विजिबल करने के लिए आप पॉइंट स्टाइल को चेंज कर लीजिए। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पॉइंट स्टाइल होगा, इस तरह से हमने पॉइंट स्टाइल को चेंज कर दिया। देखिए हमारे पास ये आ गया, और अब हम चाहे तो इस पर एक लाइन ड्रॉ करके हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे इसको लाइन ड्रॉ किया, फ्री हैंड से आप ऐसे भी ट्राइंगल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी हम कॉपी करा सकते हैं स्पेस पे, इस तरह से लिया और ये लेके हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये हमारे पास कॉपी हो गया। अब हम कॉपी करें या तो, और या तो यहाँ पे देखिए, अगर आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ, सभी मेंबर्स वैसे के वैसे हैं, तो एक को बना के हम एक साथ कॉपी करेंगे तो हमारे पास इजी वे में हमारा कॉपी हो जाएगा। जैसे अभी मैं कॉपी करता रहूँगा तो कई बार कॉपी में टाइम लगेगा हमारा। इससे अच्छा है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक लाइन आई हुई, यहाँ से यहाँ तक ट्रस जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ट्रस जुड़ा हुआ है, एक ट्रस को बना के हम सीधे सीधे सबको कॉपी कर सकते हैं, तो इजी होगा हमें बनाने में। तो हमने क्या किया, इन दोनों को तो लिया है, इसके साथ ही इनको कॉपी कर दिया, इस तरह से कॉपी कर दिया हमने। और कॉपी करने के बाद अब इनको हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, तो जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे गए, लाइन कमांड लिया और लाइन कमांड लेके इसको जोड़ दिया। तो इसको हम लोगों ने ये लिया, और ये लेने के बाद यहाँ पे हम इसको चाहे तो कॉपी करा सकते हैं, अदरवाइज इसको देखेंगे तो इसकी गैपिंग्स हैं, इनके बीच में गैपिंग है, तो इनके बीच में जो गैपिंग है वो गैपिंग कितने की है, तो अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो इनके बीच में देखिए गैपिंग्स है, और ये 1:1 की गैपिंग्स है। देखिए 1:1 की गैपिंग है, कैसे देख सकते हैं इसको, यहाँ पे देखिए डिटेल ए, ये डिटेल ए का बॉक्स है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर 1:1 की गैपिंग है, तो हाफ इधर और हाफ इधर अगर ऑफसेट करा दें तो इजली ये हमारा बन सकता है, ये इधर इधर से बन सकता है, राइट। तो वही किया हमने, इसको हमने ऑफसेट सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करके ऑफसेट कर दिया 0.5 का, और करके एंटर कर दिया इधर, और 0.5 को इधर कर दिया, तो इसको लिया और इसको लेने के बाद गया और यहाँ से एक पॉइंट इधर ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया इस तरह से, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। तो इसको अब चाहे तो हम इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं और सेलेक्ट करके लगा भी सकते हैं, कैसे, इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, इस पॉइंट को उठाया और इधर कॉपी कर दिया, इस पॉइंट को उठाया इधर कॉपी कर दिया, सॉरी कॉपी करने में गलत हो जा रहा है, क्योंकि देखिए इधर इसके मेंबर्स अलग हैं, उसके मेंबर्स अलग हैं, सो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ही बनाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, इसको लिया, इसको लेकर हमने ऑफसेट कर दिया 0.5 का, करके एंटर कर दिया इधर, और 0.5 का इधर, 0.5, 0.5, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको बनाया, और ऐसे ही साथ साथ हम लोग आगे भी बनाएंगे, उससे पहले देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ट्रसेस मेंबर है ये, तो ये मेंबर्स जो है यहाँ पे इनके बीच में भी गैपिंग्स है, कितने कितने की 1:1 की गैपिंग है, तो यहाँ पे देखेंगे उसको देखने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी डिटेल ए, तो हमने डिटेल ए को देखा, तो डिटेल ये यहाँ पे है, तो इनके बीच में अगर हम देखें तो इनके बीच में जो गैपिंग्स है वो 2:2 की गैपिंग्स है, 2:2 की गैपिंग्स है, तो 2:2 की गैपिंग्स के लिए हमने क्या किया, इसको 1 इधर और 1 इधर ऑफसेट करा दें, तो हमारे 2:2 गैपिंग निकल आएंगे, तो इसको हमने ऑफसेट कराया, एक मिनट, ये 2:2 की गैपिंग हमें नहीं दिख रही है, लेकिन क्योंकि ये देखिए ये मेंबर्स सेम है और ये मेंबर्स भी सेम है और ये मेंबर भी सेम है और ये भी सेम है, तो मुझे तो 1:1 की गैपिंग दिख रही है, इसलिए मैंने 1:1 ही लेता हूँ, और यहाँ पे 1 की गैपिंग नहीं दिख रही, इसको मैं 0.5 मानता हूँ, क्योंकि 1 की गैपिंग होती तो इस इतनी बराबर दिखती, ठीक। तो मैंने इसको कितना लिया, इसको मैंने 1 लिया और इसको ले लिया 0.5, तो इसको हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ और दिखाना आपको, यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो गैप, ये देखिए ट्रस मेंबर्स जो बड़े हैं यहाँ पे, ये देखिए 5 mm यहाँ पे बाहर आया हुआ है, ठीक है, 5 बाहर आया हुआ है, मीन्स ये सब पे 5 बाहर चला गया, तो मीन्स यहाँ पे जो साइज है यही साइज सभी जगहों पे जाएगा, तो इसको हम लोग बढ़ा लें, ये 5वें मेंबर से है, देखिए 1, 2, 3,
4 5 पांचवे मेंबर में ये इतना ही बढ़ गया इसका मेंबर, तो इतना ही मेंबर सभी जगह पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कर क्या कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए यहाँ पे गए और 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ मेंबर पे गए और फिफ्थ मेंबर पे जाके हमने लाइन खींचना चाहे और चाहे तो इसको हम लोग लाइन खींचना बेटर रहेगा, तो हमने लाइन खींचा, लाइन खींच के हम लोगों ने यहाँ पे 5 mm करके इंटर कर दिया। ओके, तो ये टोटल हमारे पास इस तरह से लाइन आ गई। इस मेंबर को आप चाहे तो डिलीट कर दें। ओके, एंड देन आपके पास एक्सटेंड काउंट होती है, एक्सटेंड काउंट लीजिए और इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। एडिट नहीं कर पा रहे हैं, एडिट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास एक आ गया, यही साइज हमें हर जगह पे लगाना होगा तो ही बना सकते हैं, बट एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें बड़े ध्यान से इस पे काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हो रही करके अब हम लोग इस लाइन को थिकनेस देना है, कितने का थिकनेस देना, 1 का। तो हमने आपसे इसको ऑफसेट कर लिया, इसको ऑफसेट 0.5 का यहाँ पे किया, 0.5 इंटर इधर किया और 0.5 इंटर इधर कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों मेंबर्स को आप कॉपी करा लीजिए और इस तरह से मैं इसको कॉपी करा लिया और इसको लेके कॉपी कमांड लीजिए। कॉपी कमांड लेके इनको हम ऐसा कर सकते हैं, ये सिलेक्ट किया और ऐसे मेंबर्स लेंगे, ऐसे मेंबर्स भी तैयार करने पड़ेंगे। तो ये लिया और ये लेके कुछ नहीं करना है इसमें, इस तरह से हमें मिलाते जाना है और उसके बाद तो हमने इस तरह से इसको मिलाया और एक एक मेंबर को हमको अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर अच्छे से अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो इस तरह की मिस्टेक होंगी इस ड्राइंग में। और इस ड्राइंग को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप लिंक पे क्लिक कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक है, लिंक उस पे लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगी और इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बोला कि अगर आपको कोई ड्राइंग एक चैट बनाना है, कोई भी होम प्लान है या कोई भी लाइक अगर आपको घर का भी प्लानिंग करवाना है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, तो आपको प्रॉपर मैं उसका एक ट्यूटोरियल भी दूंगा और साथ ही साथ अगर आपको बनवाना है तो मैं बना के भी दे सकता हूँ आपके लिए। और पीछे हमने जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्लान अपार्टमेंट्स वगैरह के प्लान हम लोग करते रहते हैं तो उनकी भी ड्राफ्टिंग हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे ले आएँ कि आप कैसे करते हैं आप लोग सीख सको। ओके, तो हमने किया और यहाँ उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास गैपिंग्स आ रही हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये भी, इसको भी थिकनेस देना पड़ेगा उनका, तो गैपिंग देने के साथ इसको भी गैपिंग देना और इसको भी गैपिंग देना है। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, इनको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद इनको ऑफसेट कर दीजिए, सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके ऑफसेट कमांड लिया, 1 का ऑफसेट दे दीजिए इधर और इसको भी आप 1 का ऑफसेट दे दीजिए और इसको भी 1 का ऑफसेट दे दीजिए। इस तरह से 1 का ऑफसेट दिया सबको। अब हम अपने एक्चुअल ड्राइंग को हम लोग देखेंगे। पहले एक्चुअल ड्राइंग में हम लोग ने देखा तो एक्चुअल ड्राइंग में इस तरह से हमारे पास बने हुए। एक्चुअल ड्राइंग में बस हमारे पास जो नीचे का ये लाइन है, ये लाइन है 0.5 mm थिकनेस की, यहाँ पे 1 mm प्रोवाइड है बट हमें 1 mm दिख नहीं रहा है इससे भी, तो हमने इसको 0.5 mm एज्यूम करके भी बनाया है। ये देखिए, तो आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 mm हमें दिख रहा है, यहाँ पर 1 mm प्रोवाइड भी है और ये हमें 0.5 mm दिख रही है, तो हम इसको 0.5 mm का थिकनेस दे देंगे। तो उसको देने के लिए सबसे पहले आप इसको छोड़िए, पहले हम लोग यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेंगे, ट्रिम राइट क्लिक, तो हमने इसको ट्रिम कर दिया और इसको भी हमने इसको ट्रिम कर दिया और इनको भी, सॉरी इनको थिकनेस देना भूल गए हैं, तो इनको भी आप ऑफसेट कीजिए 0.5 इसको भी कॉपी कर दिया, इसको भी हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हमने ट्रिम लिया और ट्रिम लेके इस तरह से हमने ट्रिम मेंबर को ट्रिम कर दिया। ओके, अब हम देखेंगे हमारे ब्रिज में कोई लाइक उससे कोई भी यहाँ तक हमारे पास लाइन आ रही है, लाइन टोटल हमारी यहाँ तक मिल रही है। ओके, तो यहाँ तक लाइन मिलने के लिए हम लोगों ने, हमारे पास एक लाइन है यहाँ पे, इस लाइन का हाफ इधर और हाफ इधर अगर कर दे तो हमारा काम हो जाएगा।
तो अच्छा होगा कि हमने हम टोटल मेंबर्स को करेंगे तो हमारा टाइम टेकन होगा, इससे बेटर होगा कि यहाँ पर हम लोग स्कूल यहाँ से लाइन लें, अदरवाइज इसी लाइक जल्दी बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें या इस पर एक लाइन खींचे और लाइन खींच के यहाँ से एक लाइन खींचे और लाइन खींच के यहाँ से हम लोग इस पर लाइन खींचते हैं। ओके, और इसको हम ऑफसेट कर दें 0.25 इधर और 0.25 इधर, एग्जैक्ट करना था आप 1 ही करिए उनके बीच में तो प्रॉपर दिखेगा आपको। अब हमने क्या किया, इनके इस मेंबर को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके कॉपी कमांड ले लिया, कॉपी कमांड लेके यहाँ से गया और यहाँ पे जाके हमने यहाँ पे रखा और इस मेंबर पे रखा। अगर इसको प्रॉपर बनाना है तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इन डिस्टेंस को आप बहुत ध्यान से देखोगे तभी दिखेंगे ये डिस्टेंस। इस तरह से निकाला और इसको हमने इस तरह से फिनिश कर दिया, और फिर हम लोग यहाँ से ट्रिम कमांड लेके इसको ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम नहीं ले रहा है, आई थिंक इस पर डबल लाइन होने की वजह से ट्रिम नहीं ले रहा है, सॉरी। ओके, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाके इस तरह से हम लोग इसको ट्रिम कर देंगे। ओके, तो इसको हमने ट्रिम कर दिया। और ट्रिम करने के बाद अब हमें बीच की लाइनों की नीड नहीं है, तो उन्हें भी हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो बीच की लाइनों को डिलीट करने के लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इसको ऐसे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे, और ये इस तरह से हमने इसको सेलेक्ट किया और इनको सेलेक्ट किया, हमने ट्रिम कर दिया, सॉरी यूज कर दिया, और इसके साथ साथ इनको भी सेलेक्ट करिए, इनको सेलेक्ट करिए, उनको भी सेलेक्ट करिए, और इनको सेलेक्ट करिए, इनको सेलेक्ट करने के बाद इनको सेलेक्ट करिए। आपको इसको जूम करेंगे तो भी आपको अच्छे से दिखेगा प्रॉपर, और इस तरह से हमने इसको जूम किया और सबको हमने सेलेक्ट करके इरेज कर दिया, मीन्स डिलीट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे कुछ मेंबर्स बचे हुए, इनको भी आप ऑफसेट करिए और ऑफसेट करके 0.5 और 0.5 इस तरह से, और इस तरह से हम लोग इसको सिमिलर हाफ हाफ कर देंगे तो हमें 1 की विजिबिलिटी आ जाएगी इसके बीच में। इस तरह से हमने कर दिया, और ये तो कुछ मेंबर्स और बचे, और बाद में हमें इनके बीच की जो मिड पॉइंट्स हैं इनको डिलीट करने पड़ेंगे, जो मिड लाइन से इनको हम लोग प्रॉपर डिलीट करेंगे। तो उसको डिलीट करने के लिए आप ट्रिम कमांड को यूज़ कर लीजिए या इरेज कमांड से भी आप कर सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से ट्रिम कर दिया और ये हो गया, सभी मेंबर्स हमने कर दिया। अब हम देखेंगे एक बार ड्राइंग को अच्छे से कि ड्राइंग में क्या क्या विजिबल है। तो देखिए आप यहाँ पे ड्राइंग पे अगर हम प्रॉपर देख रहे हैं तो ये देखिए इनके बीच में कोई लाइन्स नहीं है हमारे पास, तो इनको हमको ट्रिम करना पड़ेगा प्रॉपर। तो यहाँ पर मैं देखा तो ओके, कुछ भी लाइन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लाइन को मिनट हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब इनके बीच में जो है ये लाइन है और इन लाइन को हम लोग ट्रिम करना पड़ेगा। तो ट्रिम किया यहाँ से, ट्रिम लेके हमने ट्रिम कर दिया, और फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे जाकर हमने लाइन लिया और ये लाइन लिया और इसको भी हमने अच्छे से ट्रिम कर दिया। एंड देन फॉर दिस अगेन कैन डू सेम वर्क, हम लोग इसको ट्रिम करेंगे, और ट्रिम करने के लिए इस तरह से हम लोगों ने फटाफट से ट्रिम किया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको भी इस तरह से हमने इसको इरेज कर दिए, सारे मेंबर्स को हमने ऐसे एक एक करके इरेज किया। जैसे हम देखिए इस मेंबर को इरेज करना है क्योंकि इनके बीच में ऐसे कोई पार्ट्स नहीं रहने थे, तो हमको सबको इरेज करेंगे। तो एक एक करके हमने सबको इरेज कर दिया यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही टाइम टेकन है ये, तो हमने इस तरह से सबको इरेज कर दिया और जो पार्ट हमारे इरेज नहीं हो उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। ट्रिम किया सबको, और ट्रिम करने के बाद
अब जैसे कि आप एक पेपर बचा है तो इसको भी हम लोग सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ओके। अब आधे को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, आधे पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके मिरर कर देंगे तो हमारा इधर का पार्ट तैयार हो जाएगा, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इस तरह से हमने सबको सिलेक्ट कर लिया। को सेलेक्ट किया सारे मेंबर्स को एंड दिस वन आल्सो एंड देन इसको सबको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग इनको अच्छे से करना है, क्योंकि अगर कोई मेंबर हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो रह जाएगा। और उसके साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादा मेंबर हो गए तो अकॉर्डिंग टू रैंक रूल हमें ये भी देखना है कि एक के ऊपर डबल लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डबल लाइन अगर हो गई तो ड्राइंग हमारी गलत होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको सबको अच्छे से सेलेक्ट किया, प्रॉपर देख लिया और देखने के बाद यहाँ पर मिरर कमांड लीजिए और मिरर कमांड लेके ये देखिए मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट लीजिए और मिड पॉइंट लेने के बाद ऑर्थोकॉन रखिए जिससे आपका ये परफेक्ट हो, ठीक है। और ऑर्थो की शॉर्ट की जो होती है वो एफेक्ट होती है, एफेक्ट लिख के यहाँ पे डेगा, ओके। देखिए हमने प्रॉपर इसको एक एक डायमेंशन को देख के बनाया है, सो इसमें से कुछ भी गलतियाँ नहीं हो सकती हैं। और साथ ही साथ अभी देखिए पॉइंट स्टाइल को हम लोग चेंज कर देंगे, प्रॉपर पुराने पॉइंट स्टाइल को चेंज करेंगे और करके ओके कर देंगे। तो हमने इस तरह से केबल स्टेट ब्रिज का एक पार्ट तैयार किया, ठीक है। तो ये ड्राइंग काफ़ी ब्रॉस्ट है, तो अभी हम लोग अगर ये पार्ट भी तैयार करेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और इसको इस पार्ट को बनाएंगे और बना के देखेंगे। तो ये पार्ट वन आप होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मैंने कोशिश किया और साकिब के लिए ये वीडियो तैयार किया। और भी अगर किसी को कोई ड्राइंग देनी है तो आप लोग सेंड कर सकते हो, सेंड करिए, मैं उसको बना के आपको भेजूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। आप लोग ऐसे देखते रहिए, मैं पार्ट टू भी जल्दी ले आके आपको दूंगा। तो इस तरह से हमारे वीडियोस तैयार हो जाएंगे और सारे हम लोग एक एक करके सारी ड्राइंग्स को तैयार कर लेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ढेर सारी ऑटोकैड की ड्राइंग हम लोग कम से कम मोर देन 100 ड्राइंग्स बनाने की टारगेट है हमारे, हम लोग उसको लेके आएंगे। और मैंने फिर से मैं एक बार आपको बता दूँ, अगर ड्राइंग को आपको प्रैक्टिस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये अच्छा लग रहा है, आप ये मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मैं क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ लाइक सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ लेके आऊँगा।